नमस्कार दर्शक बंधु, कर्णाटक रे किए गढ़ सरकार ए प्रसंगे दर्शक बंधु आम लगातार समय धरिकी कर्णाटक विभिन्न जिला विभिन्न अंचल आम बुलुचु एवं विभिन्न नेता भेटुचु जनता सहित कथबार्ता होपर भी सबू प्रश्नर जवाब नेता ही देपर एथर कर्णाटक किए गढ़ सरकार को लेकिन आज आम कर्णाटक जे राज्य कांग्रेस भवन रही आम अच्छा कांग्रेस वरिष्ठ नेता संजीव सिंह आम सहित अच्छा जे आम सहित कथबार्ता हाँ जे वर्तमान कर्नाटक राजनीति को से कोई देखुं संजीव बाबू कार्यक्रम को आपसे स्वागत कर रहा हूं मैं। थैंक यू। कैसे देख रहे हैं अभी चुनाव कैसे चल रहा है? बढ़िया है। हम लोगों ने पिछले एक महीने से हम लोगों की पूरी टीम यहां कर्नाटक में हम लोगों ने कैंप किया हुआ है और बहुत बढ़िया पॉजिटिव माहौल है। लेकिन सब बोल रहे हैं कि पसीना अभी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले जो वर्तमान अभी भाजपा की सरकार थी उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे। 40% की सरकार, लोगों ने, आम जनता ने यह एक नारा दे दिया कि यह 40% कमीशन वाली सरकार है। अच्छा। तो मैं पिछले एक डेढ़ महीने से कर्नाटक के करीब करीब ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट को मैंने विजिट किया है और काफ़ी बढ़िया माहौल है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग करीब करीब 140-145 सीट के आसपास जीत के आएंगे और कांग्रेस की यहाँ सरकार बहुत मजबूती के साथ बनेगी। संजीव जी, आप बिहार के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बिहार की राजनीति ये कर्नाटक की राजनीति में पूरा बहुत अलग होती है। जी, मैं इसके पहले भी 2018 के चुनाव में कर्नाटक का ऑब्जर्वर AICC के द्वारा रह चुका हूं। उसके पहले भी मैं 2012 के चुनाव में भी ऑब्जर्वर था। तो मैं तीसरी दफा, थर्ड टाइम आई एम कमिंग एज AICC ऑब्जर्वर, तो मुझे काफ़ी अनुभव है कर्नाटक के लोकल पॉलिटिक्स का। काफ़ी समय मैंने कर्नाटक में भी दिया है तो मुझे पता है यहाँ के जातीय समीकरण, यहाँ के जनता के नब्ज को, यहाँ के वोटर के माइंडसेट को मैं जानता हूँ। और जो अभी के हालात हैं उसमें आम जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हो गई है, ऊब गई है। क्यों? महंगाई बढ़ रही है कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा कर्नाटक ने लोगों को रोजगार देने का काम किया। IT BT सेक्टर, जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का हब है कर्नाटक, लेकिन आप पिछले 3-3.5 सालों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और मैक्सिमम भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। 40% की कमीशन की सरकार है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, आम जनजीवन इससे काफ़ी परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल अभी है, कांग्रेस एकजुट है यहाँ? कांग्रेस एकदम एकजुट, शिव कुमार सिधर यहाँ के बीच में कुछ नहीं है? नहीं नहीं, कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। DK शिव कुमार जी भी पूरा मेहनत कर रहे हैं, सिद्धारमैया जी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सारे सीनियर लीडर, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, सभी नेता एकजुटता के साथ यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो सिटार साहब थे, जो लिंगायत समाज के बड़े नेता हैं, अभी उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। अभी वर्तमान सरकार में जो DC थे लक्ष्मण साहब जी, वो भी लिंगायत समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी कांग्रेस, भाजपा के येदियुरप्पा है, बसराज बोमाई है, लिंगायत समाज के, नहीं लिंगायत समाज में और भी नेता हैं, लेकिन लिंगायत समाज की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लिंगायत समाज के जो बड़े नेता हैं, लिंगायत समाज के लोगों को ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने शुरू से लिंगायतों को अपने साथ रखने का काम किया है। आप 1984 में देखें या उसके बाद भी 90 के दशक में देखें, जब राजीव गांधी जी थे उस टाइम लिंगायत समाज के एक सबसे बड़े नेता यहाँ वीरेंद्र पाटिल हुआ करते थे। वीरेंद्र पाटिल को भारतीय जनता पार्टी ने कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने उनको सम्मान देकर उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज जो है वो डूब रहा है। जब जहाज डूबती है तो सबसे पहले उसमें से चूहे कूदते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब 22 से ज्यादा विधायक, MLC और बड़े नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। लेकिन भाजपा बारे बोल रहे हैं जो नेता एक्सपायरी हो गए हैं, इस नेता को अभी कांग्रेस लेके जान, कांग्रेस में जान डाल रही है।
नहीं नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी को कोई, चूंकि उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की प्रोपगंडा वाली बातें भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। जगदीश सरकार जी को देखिए, 6 बार के विधायक रहे हैं, 7वीं बार में मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के टिकट पर वो जीतेंगे। और जो भी नेता जो जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, वो सब कद्दावर और अच्छे नेता हैं, उनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है और उनका राजनीतिक जो कैरियर रहा है बेदाग रहा है, साफ सुथरा रहा है। तो कांग्रेस तो शुरू से ही अपना हृदय बड़ा करके चलती है। जो लोग भी कांग्रेस में समाहित होना चाहते हैं, कांग्रेस बिना किसी जात पात, बिना किसी जात धर्म के भेदभाव के कांग्रेस अपने पास सबको समाहित करने के लिए तैयार है। सजीव जी, कल से मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी की नेता और आरएसएस को समर्थन करने जो कर रहे हैं, जो नेता बोल रहे थे कि देश में धर्म एक ही धर्म है, जातिवादी नहीं है। लेकिन आपको तो पता है, आप बिहार से आते हैं, बिहार में जाति की राजनीति चलती है और अभी नीतीश कुमार जी जाति गणना भी जनगणना भी कर रहे हैं और राहुल जी भी बोल रहे हैं कि 2012 से जो जाति गणना हुई है देश में उसको ओपन कीजिए, कितना जाति देश में है। लेकिन पहली बार अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है वो मुस्लिम संप्रदाय है उनको संरक्षण नहीं मिलेगी इधर, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुकी है मामला। लेकिन अभी अमित शाह बोल रहे हैं कि पिछला वर्ग को संरक्षण मिलेगी, पिछला वर्ग की राजनीति अभी भारतीय जनता पार्टी पकड़ ली है। ऐसा है कि मैंने बिहार का भी राजनीति देखा है और मैं कर्नाटक का भी राजनीति में करीब से देखता हूं, समझता हूं। मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में कोई भी एक ऐसा प्रदेश है जहां जातीय आधार पर चुनाव नहीं होता है, चाहे वह कर्नाटक है। कर्नाटक में भी देखिए लिंगायत समाज का एक बड़ा रोल है, वो कालीगारा समाज का एक बड़ा रोल है, कुर्बा समाज का एक बड़ा रोल है, हमारे दलित भाइयों का भी एक बड़ा रोल है, यहाँ माइनॉरिटी बंधुओं का भी एक बड़ा रोल है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें, क्योंकि उनके पास कोई डेवलपमेंट का कोई विकास का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस की जो पुरानी सरकार बनी थी उसने मुस्लिमों को, गरीब मुस्लिमों को, अच्छा मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपगंडा चला रही है उसमें उनका कहना है कि हम केवल मुस्लिमों को आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब बनी थी और उस टाइम हमारे एसएम कृष्णा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने गरीब मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण की एक योजना बनाई थी। 4% आरक्षण की जो योजना थी वह वैसे गरीब मुस्लिमों के लिए थी जो पसमंदा समाज से आते हैं, जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं कर पाए। तो वैसे लोगों को चूंकि समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी, एसएम कृष्णा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही 4% का वह एक रिजर्वेशन गरीब मुस्लिमों को दिया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी ये इशू लाकर हिंदू मुस्लिम में छेड़ दिया है और हिंदू वोट कन्वर्ट हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी जनता है। कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो भारत में केरल के बाद सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कर्नाटक का है। तो कर्नाटक की जनता इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ेगी। कर्नाटक की जनता को चाहिए डेवलपमेंट, विकास, लोगों को रोजगार, आपसी भाईचारा। कर्नाटक और खासकर ये जो बैंगलोर का जो एरिया है, ये कॉस्मो कल्चर है, यहाँ भारत के सभी राज्यों से लोग आते हैं, अच्छे से काम काज करते हैं और खुशहाली के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं। कांग्रेस की जो यह सरकार है, अभी जो हम लोगों का एजेंडा है, जो हम लोग अभी नई सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस ने सबके लिए कुछ किया है। जैसे जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे उनको सरकार हर महीने 3,000 रुपये भत्ता देगी, जो बच्चे प्लस टू लेवल पास करेंगे उनको सरकार 2,000 रुपये भत्ता देगी, गरीब महिलाओं को जो गैस सिलेंडर है उसके लिए 500 रुपये प्रति सिलेंडर का कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडा में दिया है, 2,000 रुपये हर 3 महीने पे उनको, महिलाओं को अपने
स्वास्थ्य के देखभाल के लिए मिलेगा। नहीं संजीव जी, ये तो सब ठीक है, आपको ये एजेंडा है, सरकार बनेगी फिर आप जो बोले थे वो करेंगे, लेकिन ये मैनिफेस्टो की बात नहीं है, ये सच्ची बात है जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तभी कर्नाटक को सिर्फ 92,000 करोड़ बजट में मिला था, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2,00,000 करोड़ की बजट बनी, ये अमित शाह बोल रहे हैं पूरा मीडिया में बार बार बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 40% की पीसी लेता है कमीशन की सरकार, और राहुल जी बोल रहे हैं कि 40% की कमीशन की सरकार सिर्फ 40 सीटों में सिमट जाएगी। आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले से कर्नाटक को इतना अच्छी तरह नहीं देखा जिसके लिए बार बार कांग्रेस को अभी परेशान झेलनी पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकारी तंत्र है, कांग्रेस पार्टी ने जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप यहाँ कर्नाटका में तैयार किया था उस सबको कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया था मजबूती से, जिसको भारतीय जनता पार्टी कमजोर करने का काम कर रही है। कांग्रेस के रिजिम में यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो देश का जाना माना संस्था है उसको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ एस्टेब्लिश किया। IIM बेंगलोर की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने कराई, जिसका अगर आप बजट देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके बजट को 1/3 कर दिया है। इसके पहले GST तो नहीं था, अभी जब से GST लागू हुआ है तब से कर्नाटक इज द सेकेंड हाईएस्ट GST पेयर स्टेट इन कंट्री, मुंबई के बाद कर्नाटक हाईएस्ट GST देता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब आप ज्यादा सरकार को रेवेन्यू देंगे तो उस रेवेन्यू का एक हिस्सा आपके पास आएगा। GST तो स्टेट गवर्नमेंट का है, जो हम सेंट्रल के पास जमा करते हैं सेंट्रल उसको वापस करती है। तो अभी वर्तमान में कर्नाटका ने पिछले 4 सालों में करीब करीब 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा GST देने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने केवल 1,63,000 करोड़ ही दिए। अभी भी कर्नाटक का करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास है, तो कहाँ सरकार मदद कर रही है? सरकार तो कर्नाटक के संसाधन को दूसरे प्रदेश के चुनावों में खर्च कर रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है डबल इंजन की सरकार की बात बोल रही है कि कांग्रेस आएगी तो कुछ नहीं होगा, वो देश में तो नहीं आना है, राहुल जी की पार्टी कांग्रेस की पार्टी फिर देश में नहीं आना, या डबल इंजन की सरकार नहीं या ट्रबल इंजन की सरकार है? मैं एक बार आपको फिर बताना चाहूंगा कि कर्नाटका में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, या डबल इंजन की सरकार नहीं या ट्रबल इंजन की सरकार है। लोगों को इन्होंने ट्रबल देने का काम किया है, आम जन जीवन इतना परेशान है, हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, महिलाएं बहने आंसू भर भर कर रो रही हैं कि खाना बनाना इतना कॉस्टली अफेयर हो गया है, तेल महंगा, डीजल महंगा, किसान रो रहे हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो यह डबल इंजन की सरकार नहीं या ट्रबल इंजन वाली सरकार है। ओके, ये चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद JDS की जरूरत कांग्रेस को कितना पड़ेगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन JDS की समर्थक और कुमार स्वामी को प्यार करने वाला जो आदमी है वो बोल रही है जो कोई जो भी हो कांग्रेस के साथ JDS नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस JDS को धोखा दिया है कि जो 14 महीना सरकार चली और कांग्रेस की MLA ने भारतीय जनता पार्टी चले गए और ऑपरेशन भी जब हमारा अलायंस सरकार यहां बना था JDS के साथ तब कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कुर्बानी दी थी, कांग्रेस पार्टी ने सेक्रीफाइस किया था JDS के पास कम नंबर होते हुए भी, कांग्रेस के पास ज्यादा संख्या बल होते हुए भी हम लोगों ने मदद किया था कुमार स्वामी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, कुमार स्वामी जी फिर धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने लगे, और इस बार भी आपके MLA कैसे बेच नहीं हमारे जनता पार्टी चले गए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ED CBI का डर दिखाया गया उनको, उनको ब्लैकमेल किया गया। तो इस बार फिर JDS के साथ
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जेडीएस को अपने बी टीम के रूप में काम करा रही है, और जेडीएस जो है हर एक जगह कांग्रेस को ही डैमेज करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। आम जनता जो कर्नाटक के वोटर हैं वो इस चीज़ों को भली भांति समझ रहे हैं कि वह इस बहकावे में नहीं आएंगे, और कांग्रेस पूरे थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमें किसी दल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी रीजनल पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप जेडीएस तोड़ रहे हैं कल? नहीं, हम लोग जेडीएस कुमार ने एक एमएलए को ले लिया है, जेडीएस को या किसी दल को तोड़ने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू से जोड़ने वाली विचारधारा नहीं, बाद में रिजल्ट आने के बाद में बहुमत नहीं मिलता है तो बहुमत आ रहा है, नहीं मिलेगा। आप 13 मई को, आप 13 मई के दिन आप 12:30-1 बजे तक आप मुझसे बात कर लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी 140 से ज्यादा सीटें जीतकर यहाँ अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। और एक बात आप देख रहे होंगे कि अभी अमित शाह जी ने प्रचार कर रहे हैं जी, मोदी जी नहीं आए अभी तक जी, क्या लगता है? क्योंकि आईबी का रिपोर्ट निगेटिव जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है, तो जो इनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है, सेंट्रल आईबी ने अपने रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी को केवल 43 सीटों का आंकड़ा दिया है। स्टेट विजिलेंस जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में भी सरकार है, स्टेट विजिलेंस ने भारतीय जनता पार्टी को 47 सीट बताया है। तो जब सेंट्रल विजिलेंस 43 सीट बता रही है, स्टेट विजिलेंस 47 सीट बता रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह लग रहा है कि पार्टी 40-42 सीट के आसपास सिमट कर रह जाएगी। इसीलिए भाजपा का कोई भी बड़ा नेता, अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता सिवाय अमित शाह और योगी को छोड़ के यहाँ चुनाव, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आ गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री इसी डर से नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यह सरकार नहीं बनने जा रही है। वह बगल के राज्य केरल जा रहे हैं, केरल में मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, लेकिन वो कर्नाटक नहीं आ रहे हैं क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस और स्टेट आईबी दोनों के तरफ से रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में क्लियर है कि यहाँ सरकार नहीं बनने जा रही है। ओके, संजीव जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तक आप क्लियर करवा दीजिए। मैंने जितना घूम लिया और कांग्रेस को पोस्टर में देखा, कहीं भी पोस्टर में राहुल गांधी की छवि नहीं है, क्यों नहीं? हर एक जगह है, आप हर एक होर्डिंग में, हर एक कुमार सीधर में फ्रंट पेज में रहते हैं, वो ठीक बड़े रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं नहीं। नहीं नहीं, राहुल जी हर एक होर्डिंग में है, हर एक बैनर में है, यहाँ आपके सामने देखिए रखा है, इसमें भी राहुल, ये तो छोटा छोटा राहुल गांधी सोनिया जी है, लेकिन राहुल गांधी का प्रोजेक्ट यहाँ पे है। स्टेट का इलेक्शन है ना, स्टेट के इलेक्शन में स्टेट लीडरशिप का बड़ा महत्व है। राहुल जी हमारे सर्वमान्य नेता है, हमारे सबसे बड़े नेता हैं राहुल जी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी का छवि रहती है, अमित शाह जी का छवि रहता है, क्योंकि उनके पास स्टेट में लीडरशिप का अभाव है, उनके पास उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे पास दिग्गज नेता हैं स्टेट में, डीके शिव कुमार जी हैं, सिद्धारमैया जी हैं, और भी बड़े बड़े नेता हैं जिनके नेतृत्व में, जिनके चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्टेट में एक भी बड़ा कद्दावर नेता नहीं है जिसके दम पर पार्टी चुनाव लड़ सकी, इसलिए उनके पास मजबूरी है कि अमित शाह और मोदी जी का वो तस्वीर लगाकर ही वो इसको करेंगे अपना चुनाव प्रचार। उनके पास स्टेट में कोई बड़ा नेता नहीं है, एक येडियुरप्पा जी थे जिनको उन लोगों ने संटिंग में डाल दिया है। ओके, मेरा लास्ट सवाल संजीव जी आपसे है कि अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये 40% कमीशन को छोड़ के? कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है कि हम गरीब किसानों के लिए पार्टी ने 10 किलो अनाज देने की जो योजना बनाई है, महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने सशक्तिकरण करने के लिए जो योजना बनाई है, नौजवानों को डीके शिव कुमार जी ने और सिद्धारमैया जी ने उस दिन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों ने कहा कि हम सरकार बनते ही 2 लाख से ज़्यादा रोजगारों को, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। तो कांग्रेस के लिए सिर्फ ज्वलंत मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा पूर्व में करते आई है उस तरह का माहौल बने। कांग्रेस की सरकार में कर्नाटक में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4-3 साल से है, आप देखिए 3.5 साल में 18 से ज्यादा दंगा हो चुके हैं। मैंगलोर में दंगा हुआ, उडपी में दंगा हुआ, धारवाड़ में दंगा हुआ, हुबली में दंगा हुआ, बेलगांव में दंगा हुआ,
लेकिन आप देख लीजिए पिछले 8-10 सालों में कांग्रेस के इतिहास में कभी भी कांग्रेस की सरकार में दंगा फसाद नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी सबको, सबका साथ, सबका विकास करने वाली पार्टी है, सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पत्रकार भी बोल रहे हैं, जातीय पत्रकार जो है दिल्ली में बैठते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का एक स्ट्रैटेजी है कि कांग्रेस को सर्वे रिपोर्ट में आगे लाओ और बाद में ऐसे ही रणनीति करो, जो रणनीतिकार बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं अमित शाह जी को, वो ऐसे ही जादू चलाएंगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 70-80 सीटों में रह जाएगी। नहीं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जस्ट ऐसे ही एक प्रोपगंडा चला रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर्नाटक में हो जाएगा, और न केवल कर्नाटक में, पूरे साउथ इंडिया में। कर्नाटक तो जस्ट एक शुरुआत है, पूरे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी शून्य पर आउट होने जा रही है पार्लियामेंट में भी। वो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, एकदम गारंटी दे सकते हैं आप? एकदम गारंटी दे सकते हैं, कर्नाटक एक शुरुआत है, कर्नाटक से जो एक जीत का जो बिगुल फूका जाएगा, यही बिगुल धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति कमोबेश होने जा रही है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सिंह, कांग्रेस की बड़े नेता, दिग्गज नेता हमारे साथ थे और पूरा कर्नाटक की चुनाव वो घूम रहे हैं, कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, और डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया की जो जुगलबंदी है इधर, और राहुल गांधी की कहीं ना कहीं जो प्रचार और प्रियंका गांधी की प्रचार की असर सभी लोगों के ऊपर पड़ रही है, जनता के ऊपर, तो लगता है कि उनको कांग्रेस की सरकार यहाँ पर जरूर होगी, और रिजल्ट आने के बाद सब पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। दर्शक बंधु, हमें स्पष्ट भाव कहूँ जो कर्नाटक रे की गड़ी बस सरकार को नहीं किया, मैंने लोगों को मत नौ केवल जनता जनार्दन जनार्दन को ऊपर निर्भर करुच्ची, जनता कौन निष्पत्ति नौ, किंतु कांग्रेस भितर से कॉन्फिडेंस एबे भी अच्छी। आम कांग्रेस भवन कर्नाटक कांग्रेस भवन में अच्छु, संजीव सिंह आम सहित आलोचन सामिल थे। संजीव सिंह कहवा कथा जे से कर्नाटक को आज नुहे, पूर्व 5 वर्ष पूर्वर तापूर्वर कर्णाटक साधारण लोक सहित मिशिंट निर्वाचन को परिचालना करफिडेन्स अच्छी जे एथर निश्चिंत भाव कांग्रेस सरकार हम। भारतीय जनता पार्टी जिते प्रोपागंडा कले तार कौन प्रभाव पड़बना भोटर के ऊपर, कूट ना कूट भोटर कर्नाटक भोटर बुझी सारी ये भारतीय जनता पार्टी हूँ जुमला पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जहाँ कहती करूना, एवं डबल इंजिन सरकार कथा जो अमित शाह कहते जे डबल इंजिन सरकार हेले कर्नाटक विकास हम, तापर मध्य कर्नाटक जनता भरोसा ना बोली संजीव बाबू स्पष्ट भाव कहले। देश बंधु, कर्नाटक किए गढ़ सरकार को ये टेकवा। नमस्कार।